व्हाट्सअप फैमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, ये बहुत ही ज्यादा वेटेड वीडियो थी। तो गाइज, मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में बोला है कि हम टीनेजर्स के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, एंड गाइज अब मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ वो है कि केराटिन ट्रीटमेंट करवाना। लेकिन गाइज, मैं आपको एक चीज बोल दूँ कि केराटिन ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड अगर से आप एक केराटिन ट्रीटमेंट एक मीडियम से लॉन्च करना चाहते हो तो 4-5 थाउजेंड पड़ेगा आपको। एंड गाइज, आपके बाल ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के कारण, हेयर कलर के कारण आपके बाल खान जैसे हो गए होंगे, इसलिए आप केराटिन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो। तो गाइज, मैं इस वीडियो में आपको बोलूंगा कि आप केराटिन ट्रीटमेंट सिर्फ 30 रुपीज में कैसे कर सकते हो। एंड गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड गाइज, मैं इस वीडियो में आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद आपके पास सिल्की एंड स्मूथ हेयर्स रहेंगे एंड आपके बाल घान जैसे नहीं बिहेव करेंगे। तो गाइज, चलो चलते हैं सीधा वीडियो में। तो गाइस, पहले तो मैं आपको बोल दूंगी केराटिन क्या होता है। केराटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो आपके बालों में होता है, स्किन में होता है, नेल्स में होता है। जब वो केराटिन का आउटर लेयर जो होता है वो जब ब्लैक डैमेज होता है, तब आपका केराटिन या आपके बाल खराब होते हैं, आपकी स्किन खराब हो जाती है या आपके नेल्स खराब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं एंड केराटिन को वापस रिप्लेनिश करते हैं आपके बालों में एंड आपके स्किन में, अगर से आप स्किन पे भी लगाते हो तो। पहले तो मैं आपको बोल दूं कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ही इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं एंड इसमें केमिकल बिल्कुल नहीं यूज होते हैं, क्योंकि जो आप सैलून में करते हो उसमें यूज होते हैं फॉर्मल्डिहाइड्स जो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपके बालों में एंड समटाइम्स आपके बालों को अच्छे करने से ज्यादा खराब भी कर सकते हैं। तो गाइज, अगर से आप वो करना चाहते हो तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। ये आप जरूर कर सकते हो, आपको ये प्रोडक्ट्स आपके घर पे मिलेंगे एंड इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड गाइज, अगर से आपके बाल कर्ली हैं तो आपको ये मेथड या रेमेडी आपको 5-6 टाइम्स मंथ में करनी है एंड आपके बाल स्ट्रेट एंड बहुत ही ज्यादा सिल्की एंड स्मूथ दिखेंगे एंड आपके बालों में वो जो न्यूट्रिएंट्स एंड नरिशमेंट होगी वो आपके बालों में फिर वापस आ जाएगी। तो गाइज, चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं ये केराटिन ट्रीटमेंट का जो पेस्ट हमको चाहिए। तो गाइज, मैं ये ट्रीटमेंट के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा हूँ वो है एक फुल बनाना जो पका हुआ है एंड साथ में यूज कर रहा हूँ एक फुल एग योक। एंड उसमें ध्यान रखना कि आप योक भी यूज करें, क्योंकि एग वाइट में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है एंड योक में भी प्रोटीन होता है। तो इसलिए ये अगर से आप नहीं यूज करना चाहते हो तो एग योक ऑप्शनल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूज करें। एंड गाइस, इसमें बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोटीन होता है। एंड गाइस, जो थर्ड इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कोकोनट मिल्क। एंड कोकोनट मिल्क में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। एंड गाइस, याद रखना कि हमेशा फ्रेश कोकोनट मिल्क यूज़ करना, पका हुआ बिल्कुल मत करना। एंड गाइस, इसके बाद आपको विटामिन ई टैबलेट, जो एक अच्छा सोर्स है ऑयल के लिए एंड आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा नरिश करता है, आपके बालों में जो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा आपके बालों। तो गाइस, ये भी याद रखना कि आपको सिर्फ एक ही कैप्सूल यूज़ करना है, डिपेंड्स ऑन योर हेयर लेंथ कि अगर से आप 5 इंचज से ज़्यादा आपकी हेयर लेंथ है तो 2 कैप्सूल यूज़ करना, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ एक ही कैप्सूल यूज़ करना। एंड गाइस, उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है कैस्टर ऑयल यूज़ करना है, जो बहुत ही ज़्यादा आपके बालों में न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, जो भी ऑयल जो आपके बालों में कम हो गया है वो प्रोवाइड कर देता है। तो गाइस, आप इन सब को मिक्स करके एक प्रॉपर पेस्ट बनाना है। तो गाइस, आपको फर्स्ट मिक्सर में बनाना के छोटे छोटे पीसेस बना के आपको डालना है एंड उसके बाद आपको एग डालना है। एंड एग योक भी अगर से वो आपके लिए ऑप्शनल है, क्योंकि अगर से आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अगर से आप डालते हो। तो एंड गाइज, उसके बाद आपको डालना है कैस्टर ऑयल, उसके बाद डालना है कोकोनट मिल्क, उसके बाद डालना है विटामिन ई कैप्सूल एंड इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से एक पेस्ट बना के, एक थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना के अपने बालों को लगाना स्टार्ट करना है। तो गाइज, आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के मिक्स करके मिक्सर में आपको एक पेस्ट बना लेनी है एंड ये पेस्ट को आप डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हो, अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हो। एंड वन मोर चीज गाइज, मैं इसको केराटिन ट्रीटमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं उसमें सिर्फ प्रोटीन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्स में प्रोटीन होता है,
वो कोकोनट मिल्क में प्रोटीन होता है, विटामिन ई कैप्सूल्स में प्रोटीन होते हैं, एंड विटामिन ई आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो गाइस पूरे जो प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं यहाँ पे वो है प्रोटीन में रिच, एंड आप डायरेक्टली अपने बालों पे लगा सकते हो जैसे कि मैं अब करने वाला हूँ। क्योंकि अगर से आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एक ब्रश भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा, फील भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिल्की हो गए हैं। तो गाइज ये मेथड बहुत ही ज्यादा शानदार है, एंड अगर से गाइज आप भी ट्राई करना चाहते हो तो जरूर ट्राई करना। एंड गाइज अगर से आपको ये रिजल्ट आपको नहीं मिला बहुत ही ज्यादा सिल्की एंड स्मूथ का, तो इस वीडियो का आके यहाँ जरूर डिसलाइक भी कर सकते हो। तो गाइज अगर से आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेक्सी, बी डिफरेंट एंड डू व्हाट एवर यू वॉन्ट। तो गाइज मैं आपको बोल दूं कि पहले तो